गुड इवनिंग सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज कंपनीज एक्ट के अंदर टॉपिक प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। और मेरा सारा क्लासेस चाहिए तो मेरे यूट्यूब में जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लेवल 2 में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, प्रोस्पेक्टस होता है, पहले चीजों को समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस सिंपल सा भाषा में बोलेंगे तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकता है, और पब्लिक से पैसा लेगा तो पब्लिक को क्या देगा, पब्लिक कंपनी अपना शेयर देगा। तो सिंपल सा भाषा में क्या हुआ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट हुआ जिसके थ्रू पब्लिक कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर सकता है और पब्लिक को अपना शेयर दे सकता है। सिंपल सा चीज यही है। अब देखिए प्रोस्पेक्टस का मीनिंग पढ़िए। प्रोस्पेक्टस इज ए लीगल डॉक्यूमेंट थ्रू विच द पब्लिक कंपनी रेज फंड बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। सिंपल सा चीज है। प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन है, पब्लिक कंपनी इनविटेशन देता है पब्लिक को कि तुम मेरा शेयर कर दो और हम तुमसे पैसा लेंगे। ठीक है, बाद में पब्लिक शेयर क्यों खरीदता है कंपनी का, इसलिए खरीदता है कि कंपनी ग्रो करेगा, फ्यूचर में शेयर का दाम बढ़ेगा तो हमको कमाई होगा। सिंपल सा चीज है। तो सिंपल सा फंडा एक लाइन और बता रहे हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में, समझ लीजिए। प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या होता है, जिसमें प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कंपनी इशू करता है पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्यों इशू करता है, पब्लिक को पैसा मिलता है, फंड मिलता है पब्लिक से, और पब्लिक कंपनी पब्लिक को क्या देगा, शेयर देगा। और सिंपल सा भाषा में प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसके कारण पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर पाता है और उसके बिहाफ में पब्लिक को अपना शेयर देता है। बस सिंपल से इतना याद रखना है। और देखिए टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस, सेल प्रोस्पेक्टस एंड एवरेज प्रोस्पेक्टस। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस आपका एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है। ठीक है, आ जाइए रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस समझा रहे, सुनिए। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बेसिक नॉलेज, इट इज अ स्टेप टू रेजिंग कैपिटल वाया आईपीओ। सिंपल सा ये आपको पता है, प्रोस्पेक्टस क्या एक तरीका है फंड रेज करने का पब्लिक से। ठीक है, कंपनी आईपीओ लाएगा, पब्लिक उसमें शेयर कर देगा और कंपनी को पैसा देगा, यहाँ तक सब कॉमन है। अब रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस चालू हो रहा है, देखते हैं ध्यान से सुनिएगा, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस यहाँ से चालू हो रहा है। Red hiring prospectus is a prospectus which does not include the quantum and price of the seat. मतलब red hiring prospectus एक ऐसा prospectus है जिसमें कंपनी आपको कितना शेयर दे रहा है, मतलब शेयर का quantity and price दोनों starting में नहीं बताया जाता है। अब normal आदमी कंफ्यूज कि हमसे कंपनी पैसा लेगा और कितना कितना शेयर देगा, कितना प्राइस का शेयर देगा, वो तो बताया नहीं। अब देखिए इसी को बोलते हैं रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या है, कंपनी जब आपको प्रोस्पेक्टस इशू किया तो दो चीज मिसिंग थी उसमें, क्या चीज मिसिंग थी, क्वांटियम एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। तो दो चीज मिसिंग है, मतलब इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है। सिंपल सा लॉजिक है, इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस क्यों नहीं इशू करता सब बताएंगे। देखिए दिस प्रोस्पेक्टस इज नॉन एज इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। अब देखिए इट्स यूज ए बुक बिल्डिंग नंबर। अब क्या होता है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में, सुनिए ध्यान से, जब पब्लिक कंपनी आपको प्रोस्पेक्टस इशू करता है तो उसमें प्राइस बैंड दे देता है कि मेरा स्टार्टिंग प्राइस ओपन प्राइस इतना है और क्लोजिंग प्राइस इतना है। एक प्राइस बैंड दे दिया कि मतलब स्टार्टिंग प्राइस इतना है, शेयर का दाम हमको लगता है इतना होना चाहिए और क्लोजिंग प्राइस दे दिया है, और पब्लिक से पूछता है कि आप बताओ कि कितना होना चाहिए, तो पब्लिक अपने अपने हिसाब से बिडिंग कर देती है उस प्राइस बैंड के हिसाब से। ठीक है, 100 रुपया से 500 रुपया का सपोज प्राइस बैंड दे दिया, तो किसी शेयर होल्डर को लगा कि हम 200 रुपया देना चाहिए तो 200 दे देगा, किसी को लगता है 300 देना चाहिए वो 300 में शेयर खरीद लेगा, तो वो अपने हिसाब से बिडिंग कर देते हैं, बता देते हैं कि हम इतना में आपका शेयर खरीदना चाहते हैं, कोई बोलता है कि हम 200 रुपया में खरीदना चाहते हैं, तो प्रोस्पेक्टस को प्राइस बैंड के हिसाब से सब पब्लिक बिडिंग कर देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करता है कंपनी, जिस प्राइस में सबसे ज्यादा बिडिंग आती है उसको क्लोजिंग प्राइस पकड़ के शेयर इशू कर देता है। पब्लिक से जानता है
कि मेरा शेयर का दाम कितना होना चाहिए पर भी डिसाइड करता है, उसका खाली वो प्राइस बैंड दे देता है कि ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस ये है। तो सिंपल सा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ये याद रखना है कि प्रोस्पेक्टस में दो चीज मिसिंग होती है, क्वांटियम एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। क्वांटियम एंड प्राइस, कितना क्वांटिटी है और कितना प्राइस है शेयर का पता नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस बोलेंगे लॉजिकली। तब इनकम्प्लीट है तो क्या कौन सा कंसेप्ट यूज करता है, बुक बिल्डिंग कंसेप्ट। बुक बिल्डिंग मतलब पब्लिक से पूछना कि मेरा प्राइस बताओ, प्राइस बैंड के हिसाब से तुम प्राइस बताओ, तो पब्लिक इसका प्राइस बताता है। तो तीन लाइन आपको याद रह जाएगा, ठीक है। देखिए मैं ये तीन लाइन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड द क्वांटियम एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, सो दैट दिस प्रोस्पेक्टस इज नॉन एज इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। इसीलिए इसको इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, एंड इट्स यूज बुक बिल्डिंग कंसेप्ट। ये तीन पॉइंट बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए, इट इज फाइल टू आरओसी एट लीस्ट 3 days प्रायर टू द इशू। पब्लिक के पास जब कंपनी शेयर के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करेगा तो सबसे पहला जिम्मेदारी है कि रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को बताएगा कि हम ये प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे, 3 दिन पहले बताना पड़ेगा कंपनी। एक पॉइंट ये, अब देखिए एक लास्ट पॉइंट, आफ्टर क्लोजिंग द ऑफर द डिटेल अबाउट टोटल कैपिटल रेज एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी फाइल टू द आरओसी एंड सेबी। पब्लिक से पूछ लिया कि प्राइस बैंड क्या होना चाहिए, कंपनी देखा कि मैक्सिमम इस प्राइस में सबसे ज्यादा बिल्डिंग हुई है, उस प्राइस को क्लोजिंग प्राइस मान के पब्लिक को शेयर इशू कर देगा पैसा लेकर। अब देखिए कहानी क्या है। जैसे पब्लिक को कंपनी कोई भी शेयर इशू करेगी तो कंपनी का जिम्मेदारी है कि आरओसी और सेबी को इंटीमेट करे, वहां एक फॉर्म फाइल करके इंटीमेट कर दे। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में 5 पॉइंट आपको याद, क्या कंपनी शेयर जब शेयर इशू करती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दो चीज नहीं होता है, विच डज नॉट इंक्लूड क्वांटियम एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, मतलब कितना शेयर इशू करेगा और किस प्राइस पे इशू करेगा वो नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट, ये दोनों चीज मिसिंग है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, ये बुक बिल्डिंग कंसेप्ट को यूज करता है। चौथा पॉइंट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले कंपनी को आरओसी को बताना पड़ता है, आरओसी में एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है 3 दिन पहले कि हम रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट, ऑब्वियसली जब कंपनी प्राइस डिसाइड कर लेगा तो क्लोजिंग प्राइस कितना होगा और कितना कैपिटल रेज कर रहा है वो बताना ही पड़ेगा, किसको, आरओसी और सेबी। सिंपल सा चीज था। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए क्वेश्चन, इसीलिए मैं इतना डीप में पढ़ाया, ठीक। आगे देखिए, अब सिंपल सा, अब ये सब चीज को खाली लॉजिकली समझ जाएंगे तो चीज आ जाएगा। एवरेज प्रोस्पेक्टस, नाम से समझ में आया, एवरेज मतलब क्या, शॉर्ट प्रोस्पेक्टस, तो शॉर्टर फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। मैंने 2 पन्ना में कंपनी का जो सारा डिटेल है शॉर्ट में दे दिया गया और ये इशू करना कंपलसरी है। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस बहुत सिंपल सा चीज था। अब देखिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ध्यान से सुनिए, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस बहुत सिंपल सा चीज है, खाली नॉलेज के लिए जान लीजिए, एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, खाली नॉलेज के लिए जान लीजिए। इट इज इशूड व्हेन कंपनी इशू शेयर मेनी टाइम्स इन अ ईयर, जब कंपनी क्या होता है ना, एक साल में 10 बार शेयर इशू करना चाह रहा है तो बहुत बार इशू करेगा तो एक तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर देगा, बार बार उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने का दरकार नहीं होगा। तो जब कंपनी बहुत बार, जैसे बैंक है, बार बार शेयर इशू करता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बार बार अपना शेयर इशू करता है, तो बार बार उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने का दरकार नहीं होगा। इट इज इशूड बाय द बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक कंपनी। एंड एट द लास्ट, डीम प्रोस्पेक्टस। डीम प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं, एनी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज नॉन एज डीम प्रोस्पेक्टस। यदि कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करता है शेयर इशू के रिगार्ड में, यदि कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट देता है शेयर इशू के रिगार्ड में, तो उसको डीम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस में इतना आपका मोर देन इनफ, और एक एमसीक्यू क्लास कराएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, पूरा प्रोस्पेक्टस क्लियर हो जाएगा। और एक चीज, जिस बच्चे को मेरी क्लास चाहिए, लो की पूरी क्लासेस दूंगा मैं, सीए में, इंटर में लो एंड एथिक्स की पूरी क्लासेस मिलेगी, ओएमएसएम की पूरी क्लासेस मिलेगी, ऑडिट की पूरी क्लासेस मिलेगी, आईडी की पूरी क्लासेस मिलेगी। ये प्रोबेबली आपका मई एंड तक सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी, और एमसीक्यू पूरा हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू मिलेगा। यदि किसी बच्चे को मेरा सारी क्लासेस चाहिए, मैं सिर्फ 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, आप यूट्यूब में जाके ज्वाइन लेवल 2 कर लीजिए, आपको सारी क्लासेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी।
थैंक यू।